लेकिन आपने बहुत लोगों ने सबने रामायण सुनी होगी और रामायण के अंदर बहुत वाल्मीकि रामायण में जैसे पर्टिकुलरली बहुत अलग अलग और इवन तुलसी रामायण में अलग अलग जो भाग है उसको कहते हैं जैसे बालकांड। तो बालकांड में क्या है, भगवान रामचंद्र जी की बाल्य लीला है। उसके बाद है बाद में बालकांड के बाद अयोध्या कांड। तो अयोध्या कांड में अयोध्या के बारे में और वो अयोध्या की लीला है और जहाँ पे से फिर भगवान रामचंद्र जी का राज्याभिषेक होने वाला होता है और फिर भगवान रामचंद्र जी वन में चले जाते हैं। तो फिर दूसरा है अरण्य कांड। उसके बाद फिर बाद में और आगे चलते हैं तो इस प्रकार से किष्किंधा कांड, लंका कांड और ये सब है। और रामायण में एक और बहुत ही ब्यूटीफुल कांड है जिसका नाम है सुंदरकांड। आपने सुना है नाम सुंदरकांड। तो जैसे बाल कांड में भगवान की बाल लीला है, युद्ध कांड में भगवान का युद्ध है, किष्किंधा कांड में भगवान सुग्रीव से मुलाकात करते हैं, सीता को ढूंढते हैं, अरण्य कांड में भगवान जंगल में जो 14 साल उन्होंने वनवास किया था वो किया। तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि सुंदर कांड में सुंदर कौन है कि नहीं। सुंदर कांड अगर नाम दिया इसका तो कोई ना कोई सुंदर व्यक्ति तो होना चाहिए उसके अंदर। तो आप लोग क्या कहते हो, सुंदर कौन है सुंदरकांड में? भगवान रामचंद्र जी सुंदर है। पर भगवान रामचंद्र जी अगर सुंदर है तो केवल इसी कांड में भगवान राम का नाम या ये कांड को सुंदर कांड क्यों कहा? बाल कांड में भी वो सुंदर दिखते थे, अरण्य कांड में भी वो सुंदर दिखते थे, युद्ध कांड में भी वो सुंदर दिखते थे। फिर तो एक तरह से देखा जाए तो वो भगवान राम के लिए नहीं है, या फिर कोई सोचे कि सीता माता के लिए, क्योंकि सीता माता सबसे सुंदर है कि नहीं, तो सीता के लिए रहेगा। लेकिन इस पर्टिकुलर भाग में सीता माता भी हालांकि वो बहुत सुंदर है लेकिन राम से वियोग में है और रावण की लंका में बैठी है, तो वो सुंदरता सीता माता के पास भगवान राम से दूर होके नहीं है। तो ऐसा बताते कि वो भी सुंदर नहीं कहा जा सकता है। तो इस सुंदर कांड का नाम सुंदर इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें बहुत विशेष व्यक्ति है जिनका काम है और वो है हनुमान। जय श्री हनुमान जी की। तो आप सबके सामने हमने आज सोचा कि क्या बोलेंगे, कुछ हनुमान जी के बारे में आपको बताते हैं। तो रामायण में हालांकि 3 जनों को सुंदर कहा गया है, हनुमान जी जो है वो सुंदर है इसलिए इस कांड का नाम है सुंदर कांड। दूसरा वाल्मीकि को सुंदर कहा गया है क्योंकि वाल्मीकि ने इस रामायण की रचना की है और राम सीता का मिलन करवाया है रामायण में। और तीसरा सुंदर और कहा गया है किसको, आप सोच सकते हैं। दो मैंने आपको बता दिए, एक और व्यक्ति है जिनको सुंदर कहा गया है, आप सोचिए। एनी थॉट्स? विश्वामित्र को। विश्वामित्र को भी सुंदर कहा है क्योंकि उन्होंने राम और सीता का विवाह करवाया, उनका मिलन करवाया। तो ये सुंदर कांड में हनुमान जी जो है ये सुंदर है और हनुमान जी हमारे लिए एक विशेष गुरु की भूमिका भी निभाते हैं, तो वो हम चर्चा करेंगे कैसे आगे जाके कहा है। तो हनुमान जी ने इस सुंदर कांड में मेनली क्या किया, सीता को ढूंढा और सीता का संदेश लेके, मतलब राम का संदेश लेके सीता के पास आए, सीता का संदेश लेके राम के पास गए और लंका पे चढ़ाई कर दी इन्होंने। तो ये मेनली जो है वो सुंदरकांड का भाग है। और जब सारे के सारे भगवान के भक्त वानरगण सीता माता को ढूंढने के लिए अलग अलग चारों दिशाओं में गए, तो जो दक्षिण दिशा में जो टीम गई थी जामवंत जी, अंगद और हनुमान जी के साथ में, ये लोग जब गए तो समुद्र तट पर पहुंच गए और 100 योजन का समुद्र था, उस समुद्र को कोई पार करने की सिचुएशन में था नहीं।
क्योंकि ऐसे ऐसे महारथी और योद्धा थे, लेकिन वो केवल कुछ लंबा तक जंप लगा सकते थे वो लोग, और 100 योजन क्रॉस नहीं कर सकते थे। तो अंगद ने कहा कि मैं 100 योजन क्रॉस तो कर लूँगा, एक जंप में वहाँ चले जाऊँगा, लेकिन वापस नहीं आ सकूँगा, मैं उतना मेरे में शक्ति नहीं है। तो सब लोग सोच रहे थे क्या करेंगे, तो जामवंत जी ने अपने वचन सुनाए हनुमान जी को जाके, और हनुमान जी को वो याद दिलाया जो उनकी शक्ति थी। तो हम सभी जानते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, और मेरा जो टॉपिक मैं जो बोलने वाला हूँ वो है साधना और हनुमान जी और भक्ति के बारे में, इसलिए हनुमान जी का पूरा बैकग्राउंड आपको नहीं बता रहा हूँ। लेकिन आपको पता है कि हनुमान जी जो है वो पवन पुत्र है केसरी नंदन अंजना पुत्र, और बचपन में इतने पावरफुल है, एक्चुअली वो एक शिव जी का एक अंश है, भगवान रामचंद्र जी का भी एक अंश है, और इतना पावर होने के बाद हनुमान जी बहुत मस्ती किया करते थे बचपन में, और मस्ती मस्ती में इतना पावर था उनमें कि वो बहुत उलट पुलट किया करते थे। और तभी कुछ ऋषि मुनियों ने मुझे उन्हें श्राप दे दिया था कि आप जो है अपना आप में जितना ताकत है शक्ति है वो सब भूल जाओगे, और उसके बाद कभी कोई आपको याद दिलाएगा तो आपको याद आएगी। तो जामवंत जी उनके पास गए और जाके हनुमान जी को याद दिलाया कि उनमें कितनी शक्ति है, और केवल एक वही है जो भगवान रामचंद्र जी का ये कार्य कर सकते हैं कि सीता माता को भगवान राम से मिला भी सकते हैं और उनका संदेश उन तक पहुंचा सकते हैं। तो जब उनको याद कराया गया तो हनुमान जी महेंद्र पर्वत पर चढ़े, और महेंद्र पर्वत से उन्होंने बहुत जोर की एक छलांग लगाई। तो ये जो हमारे ओलंपिक्स में आजकल जो छलांग लगा रहे हैं लंबी लंबी, ये छलांग उसके सामने तुच्छ है, कुछ भी नहीं है। तो हनुमान जी ने लॉन्गेस्ट छलांग लगाई, और ये छलांग थी 100 योजन की छलांग, जिसके अंदर हनुमान जी एक साथ छलांग लगाकर और उड़ने लगे। तो हनुमान जी ने ये जो यात्रा की उस तट से लगाकर लंका तक, और उस यात्रा के अंदर हनुमान जी को किस किस दुविधाओं का सामना करना पड़ा, कौन कौन से राक्षस उनके सामने प्रकट हुए, तो ये सब जो है इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि भक्त जब भक्ति करने के लिए आता है, या जैसे भगवान की आज्ञा से वो भक्ति को ढूंढने के लिए जा रहे थे सीता को, तो एक व्यक्ति एक साधक एक डिवोटी जब आता है तो उसके जीवन में किस किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और उन कठिनाइयों का सामना करते हुए हम लोग कैसे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और फिर भगवान से जाके मिल सकते हैं। तो ये जो है ये है हनुमान जी की यात्रा, इसके बारे में हम थोड़ा सा जो भी थोड़ा बहुत समय है हम इसको चर्चा करने के लिए प्रयास करेंगे। तो आप सब लोग तैयार है? सो भक्ति जो है इसमें सीता माता जो है वो भक्ति का प्रतीक है, भगवान रामचंद्र जी जो है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या परमात्मा के रूप में है, और या फिर जो सीता देवी है उसको आत्मा आप समझ लो, और हनुमान जी जो है वो साधक या शरीर के रूप में है। तो जैसे हमारा शरीर है आत्मा है और परमात्मा है, तो हनुमान जी सीता और राम का जो मिलन है उसके बारे में ये बात कर रहे हैं। और जैसे जो कभी कभी आचार्य हमको मंत्र देते हैं मंत्र जप करने के लिए, तो हनुमान जी जो है वो एक आचार्य की भांति है, सीता माता स्वयं मंत्र है, और उस मंत्र का जो अर्थ है वो भगवान रामचंद्र जी है, ऐसा आचार्य हमको बताते हैं। तो हनुमान जी की यात्रा शुरू होती है, वो आगे बढ़ते हैं, और जब तक हमारे पास जैसे हनुमान जी ने क्या किया था, सागर पार किया था, और एक साधक को क्या पार करना पड़ता है, भव सागर। तो हम लोग जो है इस भव सागर को पार करके भगवान के गोलोक धाम में पहुंचेंगे, तो हमारे भी जो यात्रा है ये इतनी आसान यात्रा नहीं है, बहुत कठिन यात्रा है। तो उस भव सागर को पार करने के लिए ये भौतिक संसार को हमको जाना पड़ेगा। तो भक्ति में साधना बहुत महत्वपूर्ण होती है, और इसी की हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो बिना साधना के भक्ति का कोई अर्थ ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति भक्ति करने की कोशिश करता है
और वो कहता है कि मैं, जैसे बहुत सारे लोग हमको बाहर कहते हैं, अरे भैया हम तो बहुत भक्ति करते हैं भगवान की, भगवान रामचंद्र जी की, भगवान कृष्ण की बहुत भक्ति करते हैं, और आप अगर उनसे पूछोगे ठीक है भक्ति आप करते हो लेकिन आप साधना क्या करते हो, तो फिर कोई उत्तर नहीं मिलेगा। तो साधना होनी चाहिए, जैसे हमारे लिए साधना प्रभुपाद जी ने क्या बताई है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, चार नियमों का पालन करना, भक्तों का संग करना और भगवद्गीता भागवतम इत्यादि जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करना। तो ये सब हमारे, और हमारे जो भगवान है डिटीज उनकी सेवा करना, और ये सब जो है ये भक्ति के साधन बताए गए हैं। तो साधना जो है वो पक्की होनी चाहिए हमारी, और साधना जब हम करेंगे, जब पक्की होगी हमारी साधना, तो फिर हमें सेवा भाव आएगा। तो पहला है साधना, दूसरा है सेवा, जो हमको सेवा करनी चाहिए। और दिन रात जैसे हनुमान जी क्या करते हैं, दिन रात भगवान रामचंद्र जी की और सीता माता की सेवा करते रहते हैं, और इतनी सेवा करते हैं कि हनुमान जितनी सेवा कोई भी नहीं कर पाता। तो एक बार लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत वगैरह सब मिलके एक भगवान की लीला बताने के लिए उन्होंने सबने क्या किया, उन्होंने देखा कि यार जिधर देखो उधर हनुमान जी भगवान की सेवा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं और करते रहते हैं, हम लोग को चांस नहीं मिलता सेवा करने का, है ना। कभी कभी भक्त लोग ऐसा सोचते कि यही आरती क्यों कर रहा है, यही लेक्चर क्यों दे रहा है, यही कीर्तन क्यों कर रहा है, हमको कर को चांस नहीं मिलता। तो उन्होंने क्या किया, जैसे आप लोग अपना नाम हट्टा में रोस्टर बनाते हैं वैसे एक रोस्टर बनाया उन लोगों ने पूरा, कि आज सोमवार को सेवा कौन करेगा, मंगलवार को कौन करेगा, और सारी की सारी सेवा जो थी उसकी एक लिस्ट बनाई और उस लिस्ट को सेवा को आपस में बांट दिया, और आपस में बांटने के बाद एक भी सेवा हनुमान जी के लिए नहीं छोड़ी। तो जब हनुमान जी ने वो रोस्टर देखा, वो लिस्ट देखा, तो बड़े अचरज में पड़ गए, बोले अरे मेरे लिए एक भी सेवा नहीं रखी। तो उन्होंने बोला हमने आपस में सब सेवा बांट दी है, तुम्हारे लिए कोई सेवा नहीं, अभी जाओ तुम आराम करो। तो हनुमान जी सोचने लगे, लेकिन हनुमान आराम करने वालों में से है। तो उन्होंने क्या किया कि वो बिल्कुल एकदम राम जी के पास जाके खड़े हो गए, और जैसे ही राम जी ने जमाई ली तो उन्होंने जाके सामने से चुटकी बजानी शुरू की। तो उन्होंने बोला कि जब भी कोई व्यक्ति जमाई लेता है तो क्या करना पड़ता है, चुटकी बजानी पड़ती है, और सीधा जाके भगवान के पास खड़े रह गए। तो मतलब वो ढूंढ रहे थे कि मैं क्या सेवा करूं, और ये चुटकी बजाने वाली सेवा उनको याद नहीं आई, लेकिन सब करती। तो सेवा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और ये नहीं कहना प्रकार ने हमको कुछ न कुछ सेवा करनी ही चाहिए। फिर जब हम सेवा करते हैं और उसके साथ साथ में हमको क्या करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, क्योंकि भक्तों का संग के बिना क्या सेवा कर पाएंगे हम लोग, है ना। इसके लिए एसोसिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जब हो जाएगा तीन चीज, तब जाके व्यक्ति बाहर जाके प्रचार कर पाएगा और वो प्रचार करेगा। तो साधना, सेवा, संग और प्रचार, ये चार चीज है। तो हनुमान जी जब उड़े महेंद्र पर्वत से और बहुत स्पीड में जब वो लंका की तरफ जा रहे थे, तो सबसे पहले क्या होता है, किसी को कुछ याद है, सबसे पहले एक अवरोध आता है हनुमान जी के रास्ते में, कौन आता है ऐसे बोलिए, आपको याद है, मैनाक पर्वत, वो बाहर आता है। तो मैनाक पर्वत की हिस्ट्री किसी को पता है, इतिहास पता है मैनाक पर्वत का। तो पहले क्या हुआ करता था कि पर्वतों के पंख होते थे, तो पर्वत उड़ते रहते थे, और ऐसे आज के दुनिया में जो हम लोग देखते ऐसे नहीं थे, पर्वतों के पंख होते थे और पंख से उड़ते थे वो लोग, और उड़ उड़ के कभी कभी क्या करते थे, अपनी मस्ती मस्ती में कभी किसी गांव पे जाके बैठ जाते थे और गांव बर्बाद हो जाता था। तो फिर इंद्र को जब ये बात पता चली तो इंद्र ने अपने वज्र से उनके सारे पंख काटना शुरू कर दिया। तो जब इनको पर्वतों को पता चला कि हमारे पंख कट रहे हैं, तो मैनाक पर्वत अपने आप को छुपाने की कोशिश किया, और फिर वो वायुदेव पवनदेव की शरण में गया, और पवनदेव ने उसको समुद्र के अंदर जाने के लिए कह दिया, बोला कि तू इस समुद्र में जाके छुप जा। तो वो वहाँ पर छुपा। तो मैनाक पर्वत वायुदेव का बहुत एहसान मानता था कि भाई उन्होंने मेरी बहुत मदद की है, और जब उसे पता चला कि उनका पुत्र पवन पुत्र हनुमान जी मारुति नंदन वो वहाँ पे उड़ के जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि मैं हनुमान का कुछ सेवा करता हूँ, कुछ वो थक गए रहेंगे इतना उड़ उड़ के, तो मैं उनको थोड़ा रेसिप्रोकेट करता हूँ, कुछ आराम देता हूँ। तो वो उड़ के ऊपर आया और हनुमान से कहा कि हे हनुमान, तुम बहुत देर से उड़ रहे हो और तुमने कुछ खाया पिया भी नहीं रहेगा, थक गए रहोगे, तो आप थोड़ी देर के लिए इधर आओ,
मेरे पर्वत पे आप आके विश्राम करो और मेरे पर्वत के ऊपर इतने अच्छे अच्छे वृक्ष है, उसमें इतने इतने सुस्वादु फल है, उस फल का आस्वादन करो, उसको खाओ, थोड़ा आराम करो और फिर आप आगे निकल जाना। तो क्या होता है कि जब हम लोग भी भक्ति करने की शुरुआत करते हैं और थोड़ा सा जब भक्ति के अंदर आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है कि हमारे साथ भी ऐसे ही कुछ होता है, और जब हम थोड़ा सा सीनियर बनते हैं तब लोग आके माला पहनाते हैं, आपको ऊपर बिठाते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा प्रसाद खिलाते हैं और ऐसा ऐसा कुछ कुछ करते रहते हैं। तो या फिर ऐसा होता है कि आप समझो किसी महाराज के सेक्रेटरी हैं या उसके असिस्टेंट है, तो जहाँ जहाँ महाराज जाते हैं आपको भी जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ में जो वो लोग महाराज को सर्व करते हैं वो आपको भी मिलता है। तो पहले सूखी रोटी खा रहे थे, अभी मेवा खा रहे हैं, या फिर ऐसा कुछ मेरा छप्पन भोग खाने के लिए मिल रहा है और बहुत अच्छी सुविधा मिल रही है। पहले हमको चल चल के जाना पड़ता था, अभी गाड़ी मिल रही है और गाड़ी के अंदर हमारी सेवा हो रही है और ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा होता है ना। जब जब थोड़ा बहुत हम भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो फैसिलिटीज जो है वो नेचुरली हमारे को मिलती है। और वो फैसिलिटी क्यों मिलती है, ये मेरा प्रश्न है आपसे, आप बताइए क्यों। क्योंकि हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के लिए जो भी संघ में आएगा उसका हमेशा भला होगा। जैसे आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ इस पॉइंट को समझने के लिए, कि जैसे समझो एक कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है या बहुत बड़ा आदमी है और उसकी बहुत अच्छी कार है, बहुत बड़ी, समझो रॉल्स रॉयस है या फिर BMW या मर्सिडीज ऐसा करके, और क्योंकि वो इतना बड़ा आदमी है तो खुद गाड़ी नहीं चलाता, ड्राइवर रखता है, ठीक है। अब उसकी गाड़ी के अंदर सब कुछ फैसिलिटी है, AC है, ऑडियो है, बाकी जो भी जो सब सुविधा है वो है। तो वो क्या करता है, ड्राइवर उस गाड़ी को आगे बैठ के चलाता है और ओनर कहाँ बैठता है, पीछे बैठता है। तो एक तरह से अगर आप सोचोगे तो जब गाड़ी की AC की हवा चालू होती है तो पहले हवा किसको मिलती है, और फिर ओनर को। या फिर ऐसा कहे कि जो जो फैसिलिटी उस कार के अंदर ओनर एंजॉय कर रहा है वो ये भी एंजॉय कर रहा है ड्राइवर, लेकिन वो ड्राइवर का नहीं है, वो ओनर का है, लेकिन उसको मिल रहा है। और कोई ऐसा सोचे कि यार बहुत मजा आ रहा है, इतना अच्छा लग रहा है ऐसा करके, इधर ही ठीक है हम लोग, यथास्थान जहाँ पे जो है वही कर रहे हैं हम लोग, तो फिर आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारा मिशन क्या है, भगवत धाम जाना, लेकिन हम लोग उसमें ही बिजी हो गए कि जो हमको फैसिलिटी मिल रही है तो हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो ऐसे अवरुद्ध जो है वो हनुमान जी के जीवन में आया और मैना पर्वत ने कहा कि अरे आपके पिताजी ने मेरा बहुत भला किया था और आप स्वीकार कीजिए मैं जो आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ, आप कृपया यहाँ पर रुक जाइए। तो हनुमान जी ने क्या किया, हनुमान जी ने कैसे व्यवहार किया मैना पर्वत के साथ, वो हनुमान जी ने सिर्फ मैना पर्वत को अपने हाथ से टच किया ताकि मैनाक पर्वत को खराब भी ना लगे, बुरा भी ना लगे। और टच करने के बाद हनुमान ने कहा कि मैं भगवान रामचंद्र जी के कार्य के लिए जा रहा हूँ और मैं विश्राम नहीं कर सकता, विश्राम करने का समय मेरे पास नहीं है, मुझे कांस्टेंट जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे ये फैसिलिटी दी, ये सुविधा दी, लेकिन मेरा मिशन जो है वो है सीता माता को ढूंढना, और जब तक मेरा वो मिशन कम्प्लीट नहीं हो जाता मैं आराम नहीं कर सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। और ऐसे उसको स्वागत करके और हनुमान जी चले गए। तो एक बार प्रभुपाद जी अपने कुछ क्लोज शिष्यों को अपने बारे में बता रहे थे और वो कह रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रभुपाद की कई बार परीक्षाएं ली और उन्होंने कहा कि दो बार मेरी बहुत ज़बरदस्त परीक्षा ली कृष्ण ने मेरे जीवन के अंदर। एक परीक्षा तब ली जब मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा बिजनेस फेल हो गया, मेरे फैमिली के साथ मेरे संबंध खराब हो गए, मेरे पास जो कुछ भी था मेरे को रोड पे ला दिया भगवान ने। तो ये टेस्ट था ये देखने के लिए कि प्रभुपाद जी उस टेस्ट को पास कर पाते हैं कि नहीं। और भगवान को जैसे एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज कह रहे थे कि अगर आप भगवान की भक्ति करते हो और उस भक्ति करने के लिए अगर आपको रोड पे भी आना पड़े तो क्या आप रोड पे आने के लिए रेडी है। वो कहते मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप लोग रोड पर आओ, लेकिन अगर रोड पे आना पड़े तो क्या आप रेडी हो। अगर हो तो फिर आप समझना चाहिए कि सच में भगवान की भक्ति करते हैं, नहीं तो क्या है कि जब तक सब कुछ अच्छा चल रहा है तब तक बहुत अच्छा लगता है, ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल प्रभु जी सब,
लेकिन जब जीवन के अंदर समस्याएं आती है, जब जीवन के अंदर विपदाएं आती है, जब जीवन के अंदर जब बहुत यू नो आपातकालीन सिचुएशन आती है, आपातकालीन, उस समय समझ में आता है। इसके लिए प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में एक बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं, और वो लाइन ऐसा है दैट वंस ग्रेटनेस हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय वंस एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशन। मतलब वो कहते हैं कि किसी व्यक्ति की महानता का पता तब लगाया जा सकता है जब वो अपने आने वाली जीवन में विपदाओं में भी ठहर के रह सके और उसको सहन कर सके, तब समझना चाहिए कि आदमी कितना महान है। नहीं तो जब कुछ अच्छा सब कुछ चलता रहता है तब तक तो बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही अभी जैसे एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि तोता है, तोते को हम लोग कुछ सिखा सकते हैं, तो कोई अगर तोते को महामंत्र सिखा रहा है तो बोलेगा बोल हरे कृष्णा, तो तोता बोलेगा हरे कृष्णा। तो सब जब तक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन जैसे कोई शिकारी आकर तोते की गर्दन को मरोड़ेगा तो काँव 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 आवाज आएगी उसमें से। तो ऐसे ही है कि जब तक सब ठीक चल रहा है तब तक ठीक है, लेकिन जैसे माया देवी हमारे वहाँ आकर थोड़ा सा प्रेस करती है, किसी का जॉब चला गया, किसी का कोई गुजर गया रिलेटिव, या किसी का पैर टूट गया, किसी का कुछ हो गया, तब समझ में आता है, तब आदमी सोचता है कि अरे भगवान मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं तो आपका इतना सेवा कर रहा हूँ, मैं तो आपका इतना जप करता हूँ, मैं तो साधना कर रहा हूँ, मैं तो 16 माला का आपका जप कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि नहीं, तब जाके आदमी पूछने लगता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि मेरे जीवन में एक ऐसी समस्या आई थी, लेकिन उसके बाद बोला कि दूसरा जो टेस्ट आया था वो इससे भी खतरनाक था, वो इससे भी बढ़कर था। वो तब था जब प्रभुपाद जी ने इस पूरे जग को जीत लिया, प्रभुपाद जी ने 110 मंदिर बना लिए, इतनी सुविधा, इतनी फैसिलिटी, इतना कुछ प्रभुपाद को मिल गया। तो प्रभुपाद बोले कि उस समय बहुत कठिन था मेरे लिए, है ना, भगवान का आश्रय लेना। हालांकि प्रभुपाद जी तो अपनी नम्रता से ऐसा सब बोल रहे हैं, वो तो भगवान के विशुद्ध शुद्ध भक्त है, और वो लेकिन अपने एक एग्जाम्पल से बता रहे थे कि जब व्यक्ति को इतना सब कुछ मान सम्मान मर्या सब कुछ मिलता है, तब उसका दिमाग जो है वो सातवें आसमान पे चले जाता है, और उस समय नम्र रहना बड़ा कठिन होता है। तो हनुमान जी को इतना सा फैसिलिटी मिला, उन्होंने टच किया और वो आगे चले गए। तो उस प्रकार से ये जो सुख सुविधाएं हैं, ये हमारे जीवन के अंदर जो है वो अवरोध है। इसके लिए कभी कभी एक गरीब भक्त जितनी भक्ति कर सकता है, एक अमीर व्यक्ति उतना नहीं कर सकता, पर ऐसा कोई स्टैंप नहीं है। कभी कभी बहुत सारे अमीर लोग भी बहुत बड़ी बड़ी भक्ति कर लेते हैं, लेकिन जनरली ये बात इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि कुंती माता जी कहती है, कुंती माता भागवत में कहती है कि जिसको बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जिसके पास, जिसका बहुत अच्छे परिवार में जन्म हुआ है, जिसके पास बहुत अच्छा सौंदर्य है, और जिसके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, ये चार चीज़ें जिसके पास है, उसको भक्ति में आने के लिए थोड़ा कठिनाई होती है, टाइम लगता है ऐसा करके। तो इस प्रकार से कभी कभी क्या होता है कि जब जीवन के अंदर समस्या आती है, ऐसा हमने देखा है, तो तब हम भगवान के शरणागत ऑटोमेटिक हो जाते हैं, लेकिन जब जीवन के अंदर समस्या नहीं आती है तो भगवान के शरणागत होना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए कुंती महारानी ये प्रार्थना करती है कि आप मेरे जीवन में और विपदा आने दो, और विपदा आने दो, लेकिन हमारे जीवन में विपदा आती है तो हालत खराब हो जाती है। तो ऐसे एक बार रशिया में एक भक्त थे, वो सुबह सुबह बहुत सारा श्लोक पढ़ा करते थे और बहुत सारी प्रार्थनाएं पढ़ते थे, और उस प्रार्थना पढ़ते 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 एक प्रार्थना ये भी था, विपदा संतु शाश्वतम तत्र तत्र जगत गुरु, के भाई और मेरे पे विपदा आने दो। और इतनी विपदा आई कि एक महीने में उन्होंने वो प्रार्थना छोड़ दी, बोला बहुत डिफिकल्ट है। एक बार एक भक्त ने नरसिंह भगवान से प्रार्थना की दैट प्लीज रिमूव माई अनर्थास, कि मेरे जो अनर्थ है उसको कृपया निकाल दीजिए। तो नरसिंह भगवान ने ऐसा रसू प्रकट किया, तो दूसरी बार जाके बोलने लगे कि प्लीज रिमूव माई अनर्थस सॉफ्टली, कि आप मेरे अनर्थ को निकालो लेकिन कोमल रूप से, ऐसे भयंकर रूप से मत निकालो कि कभी कभी अनर्थ के साथ पूरा मेरा हालत ही खराब हो जावे, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। खैर, तो हनुमान जी वहां से वो आगे बढ़े और उन्होंने मैनाक पर्वत को बुरा ना लगे ऐसा व्यवहार करते हुए आगे बढ़े। तो जब वो आगे बढ़े तो उनको दूसरी कठिनाई का सामना करना पड़ा, दूसरा अवरोध उनके यात्रा में आया, और वो अवरोध क्या था, कौन आया, राक्षसी तो थी, उसका नाम क्या था,
सुरसा, सुरसा राक्षसी आई। अब ये सुरसा राक्षसी को ब्रह्मा जी का एक वरदान प्राप्त हुआ था, और वो वरदान क्या था कि जो भी समुद्र से उड़ेगा ऊपर, ठीक है, उसको सुरसा के मुंह में जाके बाहर आना पड़ेगा, मतलब मुंह में जाना पड़ेगा। ये ब्रह्मा जी का वरदान था कि कोई भी समुद्र को पार करते समय ऐसे ही नहीं बच के नहीं जा सकता, वो सुरसा के मुंह में से होके जाएगा, ऐसा ही ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। तो ये क्या है, ये है हमारी सेवा में अवरोध। पहला जो है वो साधना में अवरोध है कि हम जब साधना करते हैं तो फैसिलिटी मिलती है, दूसरा हम जब सेवा करने जाते हैं तो ये जो है वो मुंह खोल के अपना खड़ा हो गया, और ये मुंह खोल के खड़ा कौन हो गया, ये मिथ्या अहंकार है। सुरसा रिप्रेजेंट्स फॉल्स ईगो या मिथ्या अहंकार, या अहंकार को प्रदर्शित करती है। तो ये सुरसा खड़ी हो गई, और जैसे क्या होता है कि कभी कभी जब हम सेवा करते हैं तो भक्त को सेवा का भी घमंड आ जाता है क्या नहीं। कभी कभी जो समझो अच्छा कुक है जो प्रसाद बनाता है, ठीक है, और जब सभी लोग प्रसाद लेके उसकी प्रशंसा करते हैं कि प्रभु जी कितना अच्छा प्रसाद बनाया है आपने ऐसा करके, तो कोई अगर पूछे, अगर पता नहीं है और मैं पूछूं कि भैया किसने बनाया प्रसाद, तो लगा अरे प्रभु जी आपके दास ने बनाया है। तो कई बार हम हर किसी को कोई ना कोई अहंकार आ जाता है अपनी सेवा का कि देखो मैं कितनी अच्छी सेवा कर रहा हूँ, मतलब कोई सोचता है देखो मैं कितना अच्छा प्रचार कर रहा हूँ, कोई सोचता है देखो मैं कितना अच्छा कीर्तन कर रहा हूँ, लोग मेरा कीर्तन सुनने के लिए देखो कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसा कैसा भाव विभोर हो जाते हैं और कैसा चले जाते हैं, और कोई लोग सोचते हैं कि देखो मैं कितना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, मैं जब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता हूँ तो इतने सारे लोग आते हैं, या कोई कोई जो होते हैं जिनको लगता है कि देखो मैं कितना अच्छा ड्रामा कर रहा हूँ, यू नो, ऐसा मतलब हर किसी को किसी न किसी चीज़ का अहंकार घुस जाता है अपनी सेवा की वजह से। या फिर अगर कोई सिंपल से अगर आरती भी कर रहा है तो कभी कभी उसको देखो मैंने कितना अच्छा डेकोरेशन किया है, कितना अच्छा भगवान को सजाया है, कितना अच्छा टर्बन लगाया है उसमें, कैसा मैंने भगवान का ऐसे ये फूल लगाया है और उसमें मैंने ये लगाया वो लगाया, तो हर बार किसी न किसी चीज़ को क्यों ऐसा होता है, क्योंकि मैंने किया है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ यहाँ पे, यहाँ पे भगवान का ड्रेस या भगवान का वो टर्बन इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, हमारा ईगो इंपॉर्टेंट होता है, हमको ऐसा लगता है कि अरे हम लोग काम कर रहे हैं, मैंने कुछ किया है, और उसके लिए ये जो है वो अहंकार आ जाता है, तो और वो अहंकार मुंह खोल के खड़ा हो जाता है हमारे सामने के देखो। तो उसमें सुरसा ये हनुमान जी के सामने आ गई, तो हनुमान जी ने सोचा कि अभी मैं क्या करूं, लेकिन हनुमान जी भगवान के बड़े अच्छे भक्त है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि चलो मैं घमंड नहीं करता हूँ, हालांकि हनुमान जी चाहते थे तो सुरसा को एक थप्पड़ लगा सकते थे और सुरसा वहीं ढेर हो जाती थी, लेकिन हनुमान ने कहा कि नहीं, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ब्रह्मा जी भगवान के भक्त है, मुझे उनका मान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि बोलो माता क्या सेवा है, तो उन्होंने कहा कि हनुमान तुझे मेरे मुंह में आना पड़ेगा। तो हनुमान जी समझ गए कि अगर मैं इसके मुंह में गया और इसने मुंह बंद कर दिया तो मेरा जो मिशन है वो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, और सीता माता को जो ढूंढना है मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, ऐसा हो नहीं सकता मेरे साथ में। तो उन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने, सुरसा ने अपना मुंह खोला था 10 योजन का बड़ा, तो हनुमान जी ने क्या किया, अपने आप को 20 योजन का बना दिया। तो सुरसा ने सोचा ये क्या हो गया, तो डबल हो गया मेरे से। तो फिर सुरसा ने 30 योजन अपना मुंह खोला, तो हनुमान जी ने 40 योजन मुंह कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है, ये भक्तों के बीच में कॉम्पिटिशन भी हो जाता है, कह रहे तुम ऐसा कर रहे हो, चलो मैं ऐसा करके बताता हूँ। तो अगर अच्छे काम के लिए अगर हेल्दी कॉम्पिटिशन है तब तो ठीक है, नहीं तो खाली फॉल्स ईगो के लिए अगर कॉम्पिटिशन है तो गई भैंस पानी में, कोई काम का नहीं आएगा। तो उनका हो रहा था 40, तो सुरसा ने 50 योजन, हनुमान जी 60 योजन, सुरसा 70 योजन, हनुमान जी 80 योजन, फिर सुरसा ने 100 योजन किया। सोचो 100 योजन का समुंदर था, इतना बड़ा मुख किया। तो हनुमान जी, कृष्ण भक्त बहुत चतुर होते हैं, राम भक्त जो है हनुमान जी तो बहुत ही, मतलब ऐसा बताते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, पूरे ज्ञान के गुण के सागर है वो। तो उन्होंने तुरंत युक्ति लगाई और एकदम छोटा सा बन गए, हम्बल पोजीशन उन्होंने ले ली, मच्छर के जैसा बन गए और सीधा उसके मुंह में घुसे, घूम घाम के और बाहर निकल गए। और जब तक सुरसा मुंह बंद करती थी, हनुमान जी बाहर आ गए और सुरसा को कहा कि देख मैया मैंने तेरा मान रख लिया, मैं तेरे मुंह में घुस के पूरी जगह घूम घाम के बाहर आ गया। तो सुरसा ने भी सोचा कि कितना चतुर है ये बंदर, तो बोला हे वानर तू बहुत चतुर है और मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ। तो देखो अभी राक्षसी जो उसको खाने के लिए आई थी
वही उसको आशीर्वाद दे रही है और कहने लगी कि जा, तेरा ये जो विजयी भव, तेरा जो ये जो मिशन है, आंदोलन है, उसमें तू सफल होगा। और ऐसा करते हनुमान जी उड़े और उड़ते 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 गए आगे। फिर उनको एक तीसरी राक्षसी मिली, वो कौन थी? नहीं नहीं लड़की नहीं, बाद में आएगी, उसके पहले हुई है, उसका नाम है सिंहिनी। सिंहिनी, तो ये जो हम लोग बात कर रहे थे, ये सेवा के बारे में बात कर रहे थे, तो सेवा में क्या करना पड़ता है, उनको नम्र बनना पड़ता है। हनुमान जी यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक नम्र पोजीशन ली, उनके मुंह में घुसे और बाहर आ गए। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमको इस प्रकार से नम्र बनना पड़ता है, लेकिन ये जो नम्रता है बहुत डिफिकल्ट है, ये बहुत ही डिफिकल्ट है। चैतन्य महाप्रभु ने बोल दिया, त्रिनाद अपि सुनिचे न तरोर अपि सहिष्णु न अमानिना मानदे न कीर्तनीय सदा हरि। बहुत डिफिकल्ट है बहुत। तो जब चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा देते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये। तो एक बार एक डिवोटी बोल रहा था, कोई भक्त ऐसा पूछ रहा था कि ये चैतन्य महाप्रभु ने न क्यों लगा दिया ये न नहीं लगाना चाहिए था, न जनम न धनम न सुंदरीम, ये क्या है, बहुत डिफिकल्ट है, अब नहीं कर सकते। इतनी नम्रता बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन एक जो भगवान का भक्त होता है, जो नेचुरली नम्र होता है, वो भगवान की भक्ति बड़ी आसानी से और बड़ी जल्दी प्राप्त कर सकता है। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, वो जब गए थे चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए रामकेली में, तो हालांकि कौन थे वो मटेरियली, ही वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर दोनों, नवाब हुसैन शाह के अंदर इतनी बड़ी पोजीशन पे थे, लेकिन इतनी बड़ी पोजीशन होने के बाद भी उन्होंने नम्र स्थिति उन्होंने अपनाई और बहुत सारे तृण अपने मुंह में डाले और चैतन्य महाप्रभु कहने लगे कि जगाई मधाई होते कोटि कोटि गुण अधम पतित पापी आमी दुई जन। बोले अरे जगाई मधाई में तो बहुत गुण थे, लोग कहते हैं कि वो बहुत बड़े एक राक्षस के समान इतने गिरे हुए पतित लोग थे, लेकिन उनमें तो बहुत अच्छे गुण थे। हम लोग जो है, हम लोग ज्यादा पतित गिरे हुए उनसे है, क्यों? और उन्होंने कारण भी बताया और उन्होंने कहा कि जगाई मदाई ने बहुत सारे घरों को जलाया था, बहुत सारे लोगों की हत्या की थी, बहुत सारी औरतों के साथ बलात्कार किया था, बहुत सारे बच्चों की हत्याएं की थी और बहुत कुछ उन्होंने ऐसा किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कार्य नहीं किया जो हम कर रहे हैं, और वो कार्य क्या है? म्लेच्छ सेवी म्लेच्छ कर्मी म्लेच्छ करे काम गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। तो उन्होंने कहा कह रहे, उन्होंने इतना सब कार्य किया था लेकिन कभी भी ऐसे यवन लोगों की सेवा नहीं की थी जो गाय को मार के मांस खाते हैं गाय का, और ऐसे लोगों को गो ब्राह्मण द्रोही जो है उनके साथ में हमारा रोज उठना बैठना है, हम लोग उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे यवनों की सेवा कर रहे हैं हम लोग जो कि गाय का मांस खाते हैं, अरे ऐसे लोगों के साथ हम लोग रोज उठते बैठते हैं, ऐसे लोगों का दिया हुआ जो सैलरी वो स्वीकार करते हैं, हमारे जैसा गिरा हुआ कौन है? और आप सोचो हम लोगों की क्या सिचुएशन है जो इधर इस देश के अंदर बैठे हुए हैं, हम लोग भी वैसे ही हैं, है कि नहीं? तो हमको समझना चाहिए कि हमारे में कोई गुण नहीं है, हमारे में कोई जिसके ऊपर हम लोग गर्व कर सके ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। तो नम्रता बहुत डिफिकल्ट है। एनीवे, तीसरी राक्षसी जो मिली हनुमान जी को वो थी सिंहिका, और सिंहिका को भी एक वरदान प्राप्त था। क्या वरदान मिला था उसको बताइए, आप सब नेपाल से हैं, उसको वरदान प्राप्त हुआ था कि कोई भी ऊपर से उड़ेगा वो उसकी केवल परछाई मात्र को पकड़ के उसको नीचे घसीट के और उसका पतन कर देगी। तो परछाई, तो हनुमान जी जब उड़ रहे थे ऊपर, सुपर स्पीड के अंदर हनुमान जी जा रहे थे, एकदम 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड और उससे भी ज्यादा, और अचानक जा रहे थे और जाते जाते अचानक ब्रेक लग गया, हनुमान जी रुक गए। हनुमान ने सोचा अरे मैंने तो ब्रेक नहीं मारा ये अचानक ब्रेक कैसे लग गया, कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं आया, ब्रेक कैसे, उड़ रहे हैं लेकिन आगे गाड़ी चल नहीं रही है, हनुमान जी एक्सेलेटर दबा रहे हैं लेकिन कार आगे ही नहीं बढ़ रही है, बहुत गियर चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तब हनुमान जी को समझ में आया कि ये राक्षसी जिसने नीचे से मुझे पकड़ लिया है और मेरी परछाई को पकड़ा है। तो कई बार इस दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो हमारी परछाई को पकड़ लेते हैं, परछाई मतलब छाया, कालापन। जैसे क्या होता है कि हर किसी के जीवन में अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, ये हमारे पे डिपेंड करता है कि हम लोग क्या देखते हैं, अच्छाई देखते हैं या बुराई देखते हैं। और कभी कभी
ये जो द्वेष की वजह से ऐसे बहुत सारे जो लोग होते हैं जो भक्तों के संग में रह के भी, जैसे हमने तीसरा क्या कहा था, पहला साधना सेवा और संग, तो संग के अंदर भी कोई व्यक्ति अच्छा कार्य कर रहा है तो ठीक है, ज्यादातर भक्त उसको देखते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग होते हैं जो द्वेष से भरे होते हैं, वो उसकी अच्छाई नहीं देखते हैं, उसकी बुराई देखते हैं। तो सोचे हाँ बहुत अच्छा है, अच्छा प्रवचन देता है, बहुत अच्छा करता है, लेकिन देखो नाक पे गुस्सा रहता है उसके, इतना गुस्सेल आदमी है वो। या फिर हाँ बहुत अच्छा कीर्तन करता है लेकिन देखो हमेशा सोते रहता है। मतलब कोई जो एक खराबी जो है वो पकड़ के हम बैठ जाते हैं उसकी, कि देखो हाँ ये बहुत अच्छी सेवा कर रहा है लेकिन यहाँ पे कुछ उसको प्रॉब्लम है, और उसी प्रॉब्लम को पकड़ लेते हैं और उसको घसीटने की कोशिश करते हैं। तो इस दुनिया में आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो हमारी छाया पकड़ के या हमारी बुराई पकड़ के हमको नीचे खींचने का प्रयास करेंगे। तो वो हनुमान जी को नीचे खींचने लगी सिमिका, और वो नीचे 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 उनको लेके जाने लगी, क्यों? द्वेष की वजह से। तो फिर हनुमान जी ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया, हनुमान जी ने क्या किया सिमिका के साथ? हनुमान जी ने मैनाक पर्वत का आदर किया, उसको टच करके चले गए। सुरसा के साथ उन्होंने बुद्धि से काम लिया और बुद्धि से उसको परास्त किया, लेकिन सिमिका को क्या किया उन्होंने, किसी को पता है? हाथ उठाइए, क्या किया उन्होंने सिमिका के साथ? हाँ, वो उनके अंदर घुस के और पूरा चीर फाड़ करके उसको बाहर निकल के आ गए और उसका वध कर दिया। तो ये जो द्वेष है ना, ये द्वेष का कोई और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, क्योंकि काम क्रोध लोभ सब भगवान की सेवा में यूज हो सकता है, लेकिन द्वेष जो है भगवान की सेवा में यूज नहीं हो सकता, उसको कट कर देना चाहिए। और इसके लिए हनुमान जी ने अपने इस उदाहरण से बताया, और उन्होंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया और सिमिका को सीधा सीधा उसका वध कर दिया। और वध करके जब वो आगे गए तो लंका में पहुंचे, तो वहां पर जब पहुंच रहे थे तो बहुत बड़ा उन्होंने गेट देखा, और उस गेट के ऊपर चौथी राक्षसी थी, वो थी लंकिनी। वो वहां पर पहरा दे रही थी, और लंकिनी को भी ब्रह्मा से वरदान मिला था। तो वो जब हनुमान जी जाने की कोशिश कर रहे थे तो हनुमान जी एकदम छोटे से बन के सोचे मैं घुस जाऊं, इसको पता नहीं चले, लेकिन फिर भी लंकिनी ने पकड़ लिया उसको और कहा ए रुक वानर, कौन है तू और अंदर कैसे जाने का प्रयास कर रहा है, इतना साहस दे रहा, लंका में लंकिनी की आज्ञा के बिना कोई प्रवेश नहीं कर सकता। तो फिर हनुमान जी ने कहा कि यार मुझे जाने दे, मैं अपने एक मिशन पे आया हूँ, आंदोलन पे, मुझे कुछ कार्य है। तो उसने कहा कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती, और बहुत रोकने का प्रयास किया। और हनुमान जी ने बहुत कोशिश की कि वो अंदर चले जाए, लेकिन लंकिनी जाने नहीं दे रही थी। तो हनुमान जी जब जबरदस्ती जाने लगे तो लंकिनी ने उन पर प्रहार किया। तो पहले तो हनुमान ने सोचा कि स्त्री है, इस पर ऐसा प्रहार करना अच्छा नहीं लगता है मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन कोई कोई स्त्री ऐसी होती है कि उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो फिर हनुमान जी ने एक झापड़ लगाई लंकिनी को, और लंकिनी 10 फुट दूर जाके नीचे गिरी और खून की उल्टियां करने लगी। और वापिस आई तो क्या हुआ, पूरा चीज जाके हनुमान के चरणों में गिर पड़ी। तो बोले अरे प्रभु आपने बहुत अच्छा कार्य किया कि मुझे एक थप्पड़ लगाया। बोला कि मुझे ब्रह्मा जी ने कहा था, जब मैंने ब्रह्मा जी से पूछा था कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो उन्होंने कहा कि जब कोई वानर आके तुमको थप्पड़ लगाएगा तब तुम्हारी मुक्ति होगी, और उस समय लंका का नाश हो जाएगा। लंका जो है नाश, तब उस समय समझ लेना कि लंका के दिन भर गए और तुम्हारा भी काम पूरा होगा, तुम चली जाओगी। तो उन्होंने कहा कि प्लीज आप अंदर जाइए। और इस प्रकार से लंकिनी, तो क्या होता है कि ये लंकिनी जो है ये हमारे प्रचार में अवरोध का सूचक है, कि जब कोई भक्त प्रचार करने के लिए जाता है तो ऐसे बहुत सारे लोग उसको मिल जाते हैं कि यहाँ पे क्यों आए हो, क्या करने के लिए आए हो, क्यों अंदर आ रहे हो। जैसे अभी क्या होता है कि जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी कहीं जाते थे, तो प्रभुपाद जी बूढ़े व्यक्ति थे, हिंदुस्तान से थे, और 50 साल पहले आज जो हिंदुस्तान की स्थिति वैसी नहीं थी, लोग बड़ा भेदभाव करते थे, जाने नहीं देते थे। तो इमिग्रेशन ऑफिसर उनको पूछते थे हु आर यू, फ्रॉम वेयर यू हैव कम, व्हाई हैव यू कम हियर। तो प्रभुपाद जी कहते थे कि ये सब लंकिनी के वंशज है। जैसे हनुमान जी प्रचार करने के लिए अंदर घुस रहे थे लंका में और उसको रोक रहे थे, मैं प्रचार करने के लिए अमेरिका जा रहा हूँ, ये सब लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं मुझ पे और कहते हैं कौन हो, कहाँ से आए हो, क्यों आए हो, क्या कारण है, ये वो सब कुछ करके। तो इमिग्रेशन ऑफिसर्स को कह रहे थे कि लंकिनी के वंशज है। तो ऐसे जब हम प्रचार करने के लिए जाते हैं तो बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है हमारे को, और बहुत अलग अलग
लोगों के जो है वो जो उनका जो क्या बोलते हैं इसको के मतलब बहुत सहना पड़ता है, वो हमको प्रचार करने नहीं देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कहीं पे प्रोग्राम नहीं कर सकते, करतार बजाते मृदंग बजाते तो वहाँ पे हमको आवाज होती है बंद कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे तकलीफों का सामना करना पड़ता है। लेकिन एक भक्त जो है उन सब तकलीफों को पार करके भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करने के लिए जब प्रचार आंदोलन में जाता है तब उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो हनुमान जी अंदर घुसे और उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर लंका एकदम सोने का। अभी यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी कुछ कुछ लोगों के पास सोने के थोड़े बहुत आभूषण होते हैं, नहीं तो फिर कुछ कुछ होता है इमिटेशन ज्वेलरी होता है, सोने का खाली पानी चढ़ा होता है। लेकिन पूरी पूरी पूरी, पूरी का पूरा सिटी सोने का, सोचो आप कैसा रहेगा, है क्या नहीं। कभी कभी हम लोग एमिरेट्स पैलेस में जाते हैं तो हाँ देख के एकदम ऐसा ऐसा टोपी गिर जाती है सिर के ऊपर से, ऐसा एकदम चकित रह जाते हैं। लेकिन वो सोचो पूरी सोने की लंका थी। और हनुमान जी वो लंका को देखकर पहले क्या सोचने लगे, उन्होंने सोचे कि अरे यार रावण अगर भक्त होता तो कितना भला होता, ये पूरी की पूरी लंका भगवान राम की सेवा में लगा देते। तो एक भक्त जो होता है हमेशा ऐसा सोचता है, जैसे समझो कॉलेज के अंदर कोई लड़का है और फ्लर्टिंग काइंड का लड़का है, बहुत सारे उसकी गर्लफ्रेंड है, वो कहीं दुकान में जाएगा और उसको अगर एक अच्छा गुलाब का लाल फूल दिखेगा तो क्या सोचेगा कि ये फूल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए दूंगा, है कि नहीं, ऐसा सोचेगा वो। लेकिन जब वो भक्त बन जाएगा तो उसके दृष्टिकोण में चेंज हो जाएगा और जब वो फूल देखेगा तो क्या सोचेगा कि ये मैं कृष्ण को अर्पण कर दूं, है कि नहीं। ऐसे भक्त लोग सोचते हैं कि नहीं, जो भक्त होता है वो ऐसे सोचता है कि अर्पण कर दूं। तो उसने सोचा और फिर हनुमान जी लंका में जाके और अल्टीमेटली रावण की सारी ये लंका उनका देख दाख के और फिर अशोक वाटिका में गए और वहाँ उन्होंने देखा कि वहाँ पे सीता माता बैठी है। तो हनुमान जी ने सोचा कि मैं डायरेक्ट जाके सीता से मिलूंगा तो शायद सीता को विश्वास नहीं होगा, क्योंकि रावण के कई ऐसे लोग आके मायावी बन के कोई राम का रूप धारण करके और ऐसा वैसा सब कुछ करके और सीता को हत्याने की कोशिश कर रहे थे। तो एक बार लेकिन सीता माता कभी तैयार ही नहीं हुई तो रावण बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया। एक बार जाके कुंभकर्ण से बोला कि यार क्या करूँ मैं, ये कुछ हो ही नहीं रहा है। तो कुंभकर्ण ने उसको एक एडवाइस दिया, क्या बोला कि अरे रावण तेरे को एक सिंपल सा एडवाइस देता हूँ, तू तो मायावी है, तू तो रूप बदल सकता है, तू राम का रूप ले ले, जब तू राम का रूप ले लेगा सीता तेरी हो जाएगी, इतना सिंपल। तो रावण बोलता अबे उल्लू के पट्टे, तेरे को लगता है कि ये दिमाग मेरे आइडिया मेरे दिमाग में नहीं आया रहेगा, ये भी मैंने सोचा था, लेकिन जब मेरे को राम का रूप लेना है तो उस पर मेडिटेट करना पड़ता है और जब मैं राम के ऊपर मेडिटेट करना शुरू करता हूँ सीता मेरे को मार लगती है, मैं कैसे सीता को। तो हनुमान जी घूम रहे थे और घूमते घूमते उनको विभीषण की कुटिया दिखाई दी। तो विभीषण जो है वो लंका में इस प्रकार से रह रहे थे जैसे दांतों के बीच में ये जीवा रहती है कि दांत जरा से भी मिस्टेक हो गई जीवा से तो जीवा कट जाएगी, और उस प्रकार से वो रहते थे। या इस प्रकार से बताया गया है कि उस भौतिक संसार में जिस प्रकार से आत्मा जो एक शरीर में रहती है उस प्रकार से जो है विभीषण वो लंका में रह रहे थे। लेकिन वहाँ पर उनका तुलसी का प्लांट बना था और हर जगह पे विभीषण ने राम 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 लिख के रखा था। तो हनुमान जी जब मिले उनसे तो उनको समझ में आ गया कि ये भक्त है। खैर एक बार रावण भी विभीषण से मिलने के लिए गया था क्योंकि किसी ने कंप्लेंट कर दिया था रावण को कि विभीषण ने राम राम लिख के रखा है। तो रावण को इतना आग बबूला हो गया, बोला अरे मेरे दुश्मन का नाम इसने लिख के रखा, कैसे इसकी इतनी हिम्मत हुई कि इसने नो राम का नाम लिखा है। और तलवार अपना खड़ग उठा के गया विभीषण को मारने के लिए। लेकिन भगवान का भक्त जो होता है वो चतुर होता है तो उसने रावण का स्वागत किया और रावण ने पूछा ये राम राम क्यों लिखा है यहाँ पे। तो उन्होंने कहा कि हे भाई ये तो मैंने आपका ही नाम लिखा है, आप मेरे लिए पिता समान है और आपकी पत्नी मंडोदरी मेरे लिए माता के समान है, तो मैंने तो अपने माता और पिता का नाम लिखा है, राम मतलब रावण और माँ मतलब मंडोदरी। तो बोला रावण मंडोदरी ऐसा लिखा है मैंने। तो रावण खुश हो गया, बोला अरे क्या बात है और लिखो नो प्रॉब्लम, और चला गया मूर्ख। तो उसको पता नहीं था। तो खैर हनुमान जी सीता माता से मिले और सीता माता को फिर उन्होंने गा के और अपना परिचय दिया।
संदेश दिया, राम की जो मुद्रिका लेके आए थे, ऐसा बताता है कि भगवान रामचंद्र जी ने उनको अपनी मुद्रिका मतलब अंगूठी उनको दी थी कि ले अंगूठी लेके जा हनुमान जी और ये सीता को देना, तब सीता का विश्वास हो जाएगा कि तुम मेरा भक्त है और मेरा संदेश वाहक है, मेरा मैसेंजर है। और ऐसा बताते हैं कि उस मुद्रिका की वजह से ही हनुमान जी 100 योजन का समुद्र पार कर पाए कि प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल्दी लांदी गए अचरज नाही। कि प्रभु की मुद्रिका जब उन्होंने अपने मुख में रखी तो क्या अचरज है कि 100 योजन समुद्र तो क्या 1000 योजन समुद्र भी पार हो जाएगा। तो यदि हम भगवान की मुद्रिका या मतलब भगवान की भक्ति को अपने हृदय में रखेंगे तो हम लोग भी इस भव सागर को पार कर पाएंगे। तो हनुमान जी सीता से मिले और वो चाहते तो सीता को लेके जा सकते थे, लेकिन सीता को जाके कहने लगे कि मैया अब आप चिंता मत करो, अब आपके सारे दुख दूर हो गए हैं, अभी हमारे प्रभु रामचंद्र जी यहाँ पर आएंगे और रावण पे चढ़ाई करेंगे, रावण का अंत करेंगे और चलेंगे। और उसके बाद खैर आपको स्टोरी तो बहुत लंबी है, आपको सब पता है। तो हनुमान जी को भूख लगी थी, उन्होंने अशोक वाटिका में से फल खाने शुरू किए और बहुत राक्षस आके उन पर अटैक करने लगे और हनुमान जी ने सबको कत्ल कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार को परधाम लौटा दिया। और इतना सब कुछ होने के बाद मेघनाथ रावण हनुमान जी को पकड़ने के लिए आया और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र चलाया। तो ब्रह्मास्त्र को हालांकि हनुमान जी काट सकते थे लेकिन ब्रह्मा जी का मान रहे इसके लिए वो बंद गए और वो देखना भी चाहते थे कि ये कौन सा दुर्बुद्धि रावण है जो जिसने ऐसा कार्य किया है। तो वो रावण के दरबार में गए और रावण ने दरबार में उन्होंने क्या देखा, सबसे पहले तो उन्होंने जाके सब देवताओं को नमस्कार किया क्योंकि रावण की लंका में उसके इस राज्य में दीवारों के अंदर उसने देवताओं को पकड़ पकड़ के बंद कर दिया था, उधर लॉकअप कर दिया था, सारे देवता उधर खड़े थे। और फिर हनुमान जी ने देखा कि जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे भक्तों के जीवन में भी और बाहर वालों के जीवन में भी शनिदेव का प्रकोप है कि नहीं, शनि का बहुत प्रॉब्लम होता है। लेकिन रावण ने क्या किया था, शनिदेव को अपने पैर के नीचे रखा था, उसको फुट मैट बनाया था, मतलब जो पैर रखने का जो गद्दी होता है उसके ऊपर, तो शनि के ऊपर वो अपना पैर रखता था। रावण ने इतना कुछ आतंक बचा के रखा था। तो हनुमान जी ने ये सब देखा और बड़ा दुख हुआ उनको कि इन सबको मुक्त करना चाहिए। और फिर उनका जो वार्तालाप होता है उसमें वो रावण की बड़ी बुराई करते हैं और कहते हैं कि तू तो इतना पतित और इतना घिरा हुआ व्यक्ति है कि तू छल से सीता माता को हर के लिए क्या है, तेरे में किधर ताकत है, अगर तेरे में ताकत है तो जा, सबसे पहले तो प्रभु राम की शरण में चला जा तो राम तेरे को माफ कर देंगे और मैं ये वचन देता हूँ राम की तरफ से। और ऐसा बहुत हुआ और जब रावण को बहुत खराब लगा तो उसने कहा कि वानर की पूंछ में आग लगा दो, क्योंकि सबसे प्रिय वानर को पूंछ होती है। तो उन्होंने उसकी पूंछ में आग लगाई और हनुमान जी ने ये अपॉर्चुनिटी लेके और सारी की सारी जो सोने की लंका थी उसको जला के भस्म कर दिया और भस्म करके वापस से वो उड़े और उड़ के और जाके वापस से दूसरे तट पे और वहाँ पर सारे भक्त लोग उनका इंतजार कर रहे थे। और सब लोग जब भगवान राम के पास गए तो उन्होंने देखा कि राम अपनी आशा भरे नेत्र लेके वो हनुमान जी की तरफ देख रहे हैं और हनुमान जी आ रहे हैं। तो ये बड़ा एकदम भाव विभोर ये एपिसोड है कि जिसके अंदर भगवान स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम रामचंद्र जी हनुमान जी के सामने आशा भरी निगाह से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हनुमान जी को सीता मिली होगी या नहीं मिली होगी, उनका मुलाकात हुआ होगा या नहीं हुआ होगा, क्या हुआ होगा, ऐसा सब। तो जब हनुमान जी जो उनके परम भक्त है उन्होंने देखा कि भगवान रामचंद्र जी ऐसा देख रहे हैं उनके सामने सजल नेत्रों के साथ में, तो उनको पहले तो बड़ा उत्साह था और वो जाके तुरंत बोलना चाहते थे कि मुझे सीता मिली, मुझे सीता मिल गई। लेकिन उन्होंने हनुमान जी ने ऐसा सोचा कि अगर मैं भगवान रामचंद्र जी को जाके पहले कहूंगा कि मुझे, तो ये तो सबसे पहले कि मैं अपने बारे में बता रहा हूँ तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं बोलूँगा मुझे सीता मिली तो हनुमान जी शायद मुझे सुनने के बाद ही मेरे घमंड की वजह से भगवान रामचंद्र जी शायद पता नहीं क्या व्यवहार करें, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने फिर बाद में सोचा कि ठीक है मैं ऐसे कहता हूँ कि सीता मुझे मिली, लेकिन जैसे ही मैं कहूँगा उनसे कि सीता, इतना अगर सुनेंगे तो शायद उनको लगेगा कि सीता के साथ कोई दुर्घटना हो गई। तो सीता शब्द तो सुनते ही कि पहले सीता का नाम क्यों लिया, जैसे कभी कभी क्या होता है टेलीग्राम आता है ना, पहले तो टेलीग्राम खाली 2-3 शब्द में आता था, फादर सीरियस कम सून ऐसा कुछ करके, तो कई बार वो फादर देखते ही आदमी मतलब गिर जाता है क्योंकि टेलीग्राम इसी प्रकार के आते थे। तो उन्होंने सोचा कि सीता के बारे में बताऊंगा तो भगवान रामचंद्र जी पता नहीं बेहोश नहीं हो जाए, ये नहीं सोच ले कि सीता के साथ कुछ दुर्घटना हो गई, कुछ ये हो गया करके। तो फिर उन्होंने सोचा कि ठीक है चलो
हालांकि हनुमान जी कौन है, ज्ञान गुण सागर, लेकिन ग्रामेटिकली उन्होंने गलत कहा और उन्होंने कहा मिली मुझे सीता, मुझे सीता मिली, या ऐसा मिली सीता मुझे, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो हालांकि ग्रामेटिकली ये गलत है कि नहीं, ये ग्रामर के हिसाब से ठीक नहीं है, लेकिन एक भक्त भगवान का हृदय जानता था और उस हृदय की वजह से उन्होंने जाके भगवान रामचंद्र जी से ये जब कहा, और जब भगवान रामचंद्र जी को पता चला तो उन्होंने हनुमान जी का आलिंगन किया और हनुमान जी का आलिंगन करके कहा कि हे हनुमान, आज जो तूने कार्य किया है ये सृष्टि में अन्य और कोई नहीं कर सकता था और इसका एहसान मैं कभी चुका नहीं पाऊंगा और इसके लिए मैं तुझे कुछ दे भी नहीं सकता क्योंकि मैं तो एक सन्यासी के रूप में घूम रहा हूँ, तो केवल मैं तुझे अपना आलिंगन दे सकता हूँ। और ऐसा करके हनुमान जी का उन्होंने आलिंगन किया। और खैर फिर आपको पता है कि लंका पे भगवान रामचंद्र जी ने रावण पे विजय प्राप्त की और सब वापस से आए तो भगवान का पट्टाभिषेक हुआ, भगवान का दरबार लगा और भगवान रामचंद्र जी के दरबार में भगवान राम, सीता और लक्ष्मण थे। लक्ष्मण हमेशा उनके साथ में परछाई की तरह रहता था रामचंद्र जी के। तो वो जब रहे तो हनुमान जी ने एक बड़ी ही विनम्र भाव से भगवान रामचंद्र जी को एक बहुत ही भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि हे मेरे राम, ये आपका राम दरबार पूरा नहीं है। ऐसा नहीं था कि हनुमान जी उसमें जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आपका राम दरबार पूरा नहीं है क्योंकि आप पतित पावन हो। आप कौन हो? पतित पावन हो, लेकिन आपके राम दरबार में पतित कहाँ आते हैं? अगर पतित नहीं रहेगा तो आपको पतित पावन कौन कहेगा? जैसे नरोत्तम दास ठाकुर एक बहुत अच्छा भजन गाते हैं कि जदी दया ना करी हो पतित देखिया, पतित पावन नाम किसरे लगिया। वो कहते हैं यदि दया ना करी हो पतित देखिया, कि अगर मैं पतित हूं और आप मुझ पे दया नहीं करोगे तो आपको पतित पावन कैसे आप सिद्ध करोगे अपने आप को? तो एक भक्त जो होता है भगवान से इस प्रकार से बात कर सकता है, या फिर जैसे नरोत्तम दास ठाकुर बहुत सारे भक्त भजन में ऐसा कहते हैं कि मौसम पतित प्रभु ना पाई बेहार, कि मेरे से बड़ा पतित आपको कहीं मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लो। तो ऐसे ही हनुमान जी कहने लगे कि आपके राम दरबार में आप पतित पावन हो, लेकिन एक पतित भी तो होना चाहिए। तो राम ने कहा कि वाह क्या बात के लिए हनुमान जी चुने, आज आपको हनुमान जी को अपने दरबार में ले लिया। तो ऐसे ही हम जब अपने आप को पतित समझेंगे तभी भगवान के दरबार में घुस पाएंगे, नहीं तो कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। यानी वे हनुमान जी ने हमको बहुत सारी शिक्षाएं दी है, बहुत अपने अपने व्यवहार से बहुत सारी चीज बताई है। तो हमको हनुमान जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि जितनी भक्ति भगवान की आपने की और आपको भगवान से, जैसे मैं आपको बता दूं कई लोग भगवान जी हनुमान जी के मंदिर में जाके और हनुमान जी से ये मांगते हैं जन्म दही धनम दही ये वो सब करके, हनुमान जी को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप हनुमान के मंदिर में जाके कहोगे कि जिस राम के भक्त आप हो उस राम की भक्ति में मुझे लगाओ, तो हनुमान जी उछल पड़ेंगे और बहुत मजा आएगा उनको और आके आपके साथ में डांस करेंगे। तो हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे को जितना भगवान की भक्ति में मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आप थोड़ा इंटरेस्ट दो। तो ऐसा जब कहेंगे तो हनुमान जी जो है वो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे और हमको अपना पूरा पूरा आशीर्वाद देंगे। श्री हनुमान जी की जय, श्री राम जी की जय, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि। और आप लोगों से एक और प्रार्थना करता हूँ कि आप सब लोग अपना आशीर्वाद मुझे भी दीजिए ताकि शायद मैं भी भक्ति के अंदर थोड़ा बहुत कहीं आगे चल सकूं, आगे बढ़ सकूं। और एक खाली चीज आपको मैं बताता हूं आप सब हमारे मित्र के, जैसे मेरा जो जन्म है वो हनुमान जयंती के दिन हुआ था, इसलिए मुझे हनुमान जी बहुत पसंद है। तो मैं सोचा कि आज आपके सामने कुछ हनुमान जी के बारे में बात करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की जय, प्रभु की जय। तो मैंने जैसे कहा था वैसे हो गया, बहुत ही बहुत आनंद आनंद। तो किसी को नींद आया? नहीं आया। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा से हमको हनुमान जी के चरित्र के बारे में बताया, तो प्रभु
प्रभु का आशीर्वाद मिलने के लिए हम तीन बार से हरे कृष्ण मंत्र जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम।